उस लड़के ने कहा कि मेरे बच्चे ने दादाजी से कहा कि दादाजी आपके शादी में हम नहीं थे, फोटो नहीं है, वीडियो नहीं है, तो प्लीज आपके 50 साल हो रहे हैं ना, तो दादा दादी आप री मैरिज कीजिए। दादा दादी 75 साल का दादा 70 साल की दादी को लेकर के वापस 4 फेरे फिरते, क्या मानने का। जो सुबह में मंदिर में नाचता है, रात को किसी की बांदोली में नाचता है, शादी के वरघोड़े में नाचता है, तो रिस्पेक्ट कहां है और रिलेशन कहां है, ये जरा बताइए मुझे। घड़ी आगे बढ़ रही है, मेरे पॉइंट को भी मैं आगे बढ़ा रहा हूं। नंबर 6, महावीर के साथ हमारा रिस्पेक्ट ज्यादा है, रिलेशन कम होने जा रहा है। आज के दिन बहुत सारे युवक मंडल क्या करेंगे मालूम है? जीव दया करेंगे। जेसीए का 8 दिन का कार्यक्रम चल रहा है ना, क्या क्या किया? अंधजन मंडल में जाएंगे, गौशाला में जाएंगे और मेंटल हॉस्पिटल में जाएंगे और बोलिए वृद्धाश्रम। मैं यही आपके मुंह से निकलवाना चाहता था। हम वृद्धाश्रम में जाकर के वृद्धों की सेवा करेंगे, पैसा लिखवाएंगे, उनके साथ 2 घंटे बैठेंगे। वृद्धाश्रम के वृद्ध आपके कुछ नहीं होते हैं तो भी वहां जाकर 2 घंटे उनके साथ बैठने की तैयारी है। तुम्हारे माँ बाप घर में वृद्ध हो चुके हैं, उनके साथ 2 मिनट भी बैठने की यदि आपको अनुकूलता नहीं है तो यह नाटक है। अब रिस्पेक्ट भी नहीं कहता हूं, रिलेशन तो नहीं है, रिस्पेक्ट भी नहीं है, यह नाटक है। तुम्हारे उम्र लायक माँ बाप के साथ आपको दिन में 10 मिनट बैठने का समय नहीं, और ऐसे दिनों के अंदर पैसा लेके चलिए वृद्धाश्रम के अंदर बैठेंगे, इनके साथ बातें करेंगे, उनके बेटे नहीं है, चलो उनके साथ बातें करेंगे। पहले तुम्हारे माँ बाप के साथ तो बैठो। भगवान महावीर ने भी क्या किया था पता है? आज जन्म हुआ ना, इस जन्म के पहले जब माँ त्रिशला की कोख में थे ना, तब भगवान महावीर को भी एक दिन लगा कि मैं हिलता हूँ, मैं चलता हूँ, मेरी माँ को कितनी पीड़ा होती होंगी। महावीर स्थिर हो गए थे। महावीर का यह पहला संदेश था। भगवान के मंदिर में जाकर के पूजा बाद में करना, तुम्हारे घर के माँ बाप तो वही तुम्हारे भगवान है, उनकी पूजा पहले करो, उनकी पूजा यानी उनकी सेवा। तुम्हारे माँ बाप को संभालने के बाद यदि आप आगे का धर्म करो ना, तो मैं मानू कि आपने महावीर के साथ रिलेशन बनाए रखा। माँ बाप को छोड़कर गुरु को खुश करोगे, माँ बाप को छोड़कर भगवान को खुश करेंगे, या महावीर के साथ रिलेशन नहीं है, या महावीर के साथ रिस्पेक्ट है। और एक बता दूं, मंदिर में जाते हैं तो कितनी अच्छी अच्छी स्तुति बोलते हैं, बोलते है? जरा बोलिए दर्शनम, दर्शनम पाप आती है कि नहीं? दर्शनम और दर्शनम, एक छोटा बच्चा होगा तो उससे भी यह स्तुति आती है, दर्शनम देव देवस्य, और भी बहुत सारी स्तुतियां इन महिलाओं को आती होगी। जरा बताइए मंदिर में स्तुति, उपाश्रय में वंदन, स्थानक में जाके थोकड़ा का पाठ, बोल का पाठ, यह सब करने वाले इतना पक्का घर जाकर बच्चों के साथ, बहू के साथ, स्टाफ के साथ गाली गलौज की कभी भाषा नहीं होंगी। दुकान में जाते हैं, ऑफिस में जाते हैं, नौकर के साथ गुस्से में गाली बकवास करते हैं, तो मुझे बताइए वहां पे जो स्तुति बोले वो आप, या वहां जाकर के गाली बोलते हो वो आप कौन हो? कह दो,
हम मंदिर में जो बोलते हैं वह रिस्पेक्ट है, और घर आकर के जो हमारी जबान बदल जाती है ना, वह महावीर के साथ रिलेशन नहीं है, सिर्फ रिस्पेक्ट है। और अंत एक बता करके प्रवचन पूरा करूंगा। ऐसे तो मेरे पास 50 आइटम है, 50। इसके लिए तो पूरी एक शिविर रखनी पड़ेगी। आज तो सिर्फ सैंपल। अब भी कोई आदमी अपनी दुकान में आवे तो सीधा गोडाउन नहीं बताते हो, क्या बताते हो? यह शोरूम है। आज मैंने जो बताया वह राजू भाई शोरूम है। गोडाउन देखना है तो कभी एक शिविर लगाना, उसमें पूरा गोडाउन खोल दूंगा।